अब तुम लोग बोलोगे कि भैया SSB की तैयारी आप करते हो, कैसे होती है SSB की तैयारी? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब तुम्हारा भाई SSB की तैयारी करता था ना, तो कैसे तैयारी करता था। मैं थोड़ा सा ना यूट्यूब पे देखो एनालिटिक्स देख रहा था अपने चैनल की, और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि हम लोग अभी 3,055 सब्सक्राइबर्स पे हैं, और इसे हम 3 लाख, 4 लाख, 30 लाख करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू फॉर दिस। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। पैसा हम देखो कितना, इतना सारा पैसा बनाते हैं हम यूट्यूब से, 500 रुपये बनाए भाई ने अभी तक। चलो उसको छोड़ते हैं, ठीक है। एंड देन बच्चे कमेंट भी करते हैं, एंड देन इन सब बच्चों का मैं आंसर करता हूँ। ये देखो मेरा छोटा वाला भी लगा हुआ है, मेरा छोटा वाला भाई लगा हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इस तरीके से तुम लोगों का प्यार और सपोर्ट इज़ नीडेड। नाउ नाउ आई विल बी कमिंग टू SSB की तैयारी। ये देखो ये मेरी SSB की ना कॉपियाँ हैं बच्चों, मेरी SSB की ना कॉपी, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, ठीक है। एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी। अब ये दिखाता हूँ, सबसे पहली कॉपी मेरी ये है। अब इसमें मैंने तैयारी कैसे करी थी, इसको तुम लोग देखोगे ना, ये मेरे छोटे भाई की कॉपी अभिषेक की, इससे मैंने मार ली थी, और वो इस पर कुछ लिखता था, उसने मेरे को दे दी थी। सबसे पहला जो पेज मैंने इसमें चालू किया था वो ये था, और ये मेरी बहुत फेवरेट लाइन है कि ऑफिसर जो होता है, ये जो है लिखा गया था किसी एक सीनियर ऑफिसर के द्वारा कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नो कमांडर शुड कंसिडर इज पोस्ट गजेटेड अनटिल एंड अनलेस इट इज रेटिफाइड इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ हिज ओन मैन, है ना। तो लीड करने का तरीका क्या है, ये इसके बारे में था। एंड देन ये मैं जब मैं बीटेक कर रहा था, तो मेरे को, मैं पायलट बनना चाहता था, तो हाउ डज एन एयरक्राफ्ट है बर्नौलीज का पूरा मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा हुआ था। और ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे डायग्राम ड्रॉ किए हुए थे, माई ड्रॉइंग वॉज क्वाइट गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो पूरा मैंने बर्नौली का लिखा था कि क्या क्या होता है, रडर क्या होता है, एलिवेटर्स क्या होता है, एलरॉन्स क्या होते हैं, आई यूज टू डू दिस पिच योर ऑल, ये सब मैंने लिखा था। एंड देन फटाफट से अगर मैं बताऊँ एयरफोर्स के बारे में, मैं इतना ज़्यादा लिखता था, मिसाइल्स वगैरह कौन कौन सी हैं, क्या है। यूपी से मैं हूँ तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने लिखा था, कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं लिख के तैयारी करता था, देन उसकी मिरर प्रैक्टिस करता था, ठीक है। अब तुम देखोगे ना कि तैयारी का लेवल क्या होता है, PIQ फॉर्म में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मथुरा उस टाइम पे DM कौन था, SSP कौन था, सब कुछ मैं लिखता था। मतलब काइंड ऑफ हर SSB के बाद इसको अपडेट करता था। ये मेरे होम टाउन के बारे में था, फिर मेरे CBSE बोर्ड पे क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, मैं CBSE का बच्चा हूँ तो इसलिए। मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा इंटरव्यू लिया था सर ने, 21 जुलाई 2016 को मेरा इंटरव्यू हुआ था, सर ने क्या क्या चीज़ें मेरे से पूछी ये सब, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने लिखी, मेरी कास्ट की हिस्ट्री क्या है, ये सब भी पूछा जा सकता था, ठीक है ना। इवन इफ द IO स्पीक इन हिंदी, लेट यू यू कैन नॉट आंसर हिंदी भी अनटिल अनलेस यू हैव टू स्पीक इन पर्सन, उसकी बातों में बहना नहीं है। ये मुझे किसी मेरे सीनियर ने सिखाया था जब उन्होंने मेरा मॉक लिया था, ठीक है। तो इस तरीके के लॉजिकल तरीके से, अब वाई आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये देख रहे हो मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता था। ये आंसर पे कट शॉर्ट इसलिए हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें वो करी। ये है SSB की कॉपी, बिली मतलब समझ रहे हो तुम लोग। लेटर एयरक्राफ्ट के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये कुछ कॉपी ऐसी हुई, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स मैंने डाला, ठीक है सर, बैलिस्टिक एंड क्रूज के बीच का डिफरेंस, एयरफोर्स, वाई आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द एयरफोर्स, ठीक है, ये मेरा रीज़न है। फिर इसको कार्ड छोड़ के मैंने अपने पॉइंटर बनाए, समझ रहे हो। इस तरीके से तैयारी करी थी मैंने उस ज़माने में, ठीक है, उस टाइम पे हर चीज़ पे मेरे पास आंसर होता था। दैट इज़ हाउ द लेवल ऑफ प्रिपरेशन हैज़ टू बी इफ यू आर सीरियस फॉर समथिंग, ठीक है। एंड देन ये कुछ चीज़ें हैं, टैट प्रैक्टिस में करता था, मिरर प्रैक्टिस, ये देखो डिड मिरर प्रैक्टिस, ये क्वेश्चंस के आंसर। डॉक्टर पे मैंने ये वैट बनाए हुए हैं कुछ, ठीक है। इसको तुम लोग देखोगे ना तो तुम्हें शायद लेवल ऑफ प्रिपरेशन का अंदाजा लग जाएगा कि क्या है कहानी। देन ये वैट है, एक एक साथ में चार चार वैट में बनाता था। नाउ SRT मैंने प्रैक्टिस करी, फिर उनका आंसर किया, इंटरव्यू मेरा हुआ एक रुद्र सर ने मेरा जब SSB लिया था 16 जनवरी 2016, 15:34 15 मिनट का लगभग इंटरव्यू था, और क्या क्या मेरी फाइंडिंग्स थी, क्या चीज़ें थी, ये सब मुझे मिली। इस तरीके से तैयारी मैंने करी है, ठीक है। बोले रहो, बोलते रहो, चुप मत रहना, है ना। योर स्पीकिंग मैटर्स, 60% सेलेक्शन मसाला होना चाहिए, जब चाहो तब बोलो, डोंट वेट, मैंने भाई यू गॉट 2 सेकेंड का पॉज, तब फायर कर दो, ठीक है। कोई भी टॉपिक आए पेल दो मिरर के सामने, मतलब काइंड ऑफ ऐसे तरीके से, इस तरीके से प्रैक्टिस करिए यार, ठीक है, समझ रहे हो।
एक अब मेरा इलाहाबाद SSB का, जब SSC टेक का SSB था ना, SSC टेक के SSB का मैं एक्सपीरियंस देखा है कि इलाहाबाद 19 SSB इलाहाबाद 26 जुलाई से 30 जुलाई, पहला आर्मी का पहला वाला गया था मैं, जब 138 लड़के आए थे 26 जुलाई को, है ना। चेस्ट नंबर मेरा 67 था, 120 रखे गए उसमें से, बाकी सबको डॉक्यूमेंट आउट हो गए, 18 लड़के डॉक्यूमेंट आउट हो गए, 38 को स्क्रीनिंग किया गया था, 38 स्क्रीन इन, है ना, एंड देन आई वॉज गिवन चेस्ट नंबर 61। फिर मैंने हर SSB में कैसे लिखा, क्या मेरी फाइंडिंग रही, ये मैंने लिखा, टिप्स टू गेट स्क्रीन इन, यही मैंने तुम लोगों को दिया है, PPDT के जो डूज थे ना वही मैंने तुम लोगों को दिए हैं, अपने हाथ से लिखे हुए दिए हैं। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, उसकी मेरी फाइंडिंग्स क्या थी, समझ रहे हो, दिस इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन गाइस। फिर मैंने GP प्रैक्टिस करी है यहाँ पे, GP सॉल्यूशन रिसोर्सेज हिडन रिसोर्सेज, है ना, यहाँ पे मैंने GP प्रैक्टिस करी। अब पेन लेना पड़ता है, प्रिपरेशन ऐसे हलवा तो है नहीं यार कुछ भी कि तुम आ जाओगे मुंह उठा के सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे इंटरव्यू हुआ, इतना मिनट का था सर ने लिया, ये 25 मिनट का ये हुआ, इसमें क्या फाइंडिंग निकली, दिस इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट आई हैव डन, हिडन रिसोर्सेज बाइंडिंग फैक्टर, ये सारी चीजें, ठीक है, यूनिफॉर्म विजुलाइज सिलेक्शन पावर ऑफ एक्सप्रेशन SSB साइक इंटरव्यू GTO हर चीज को किल करना पड़ता है, चीजों को पाना नहीं कमाना सीखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, दिस वॉज जस्ट वन कॉपी, है ना, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं मेरे SSB से रिलेटेड, इतनी कॉपी थी ये जो कि पूरी भर गई, इतनी मोटी कॉपी थी जो कि भर गई है। नाउ जो भी बच्चा इसको देखेगा डेफिनेटली दे विल लर्न, एंड देन ये हम लोग थोड़ा सा मोटिवेशन करते हैं ना जब वेन वी आर एन एस्पिरेंट, तो ये देखना, आई वॉक अ लोनली रोड, द ओनली वन दैट हैव एवर, आई डोंट नो वेयर टू, बट इट ओनली मी एंड आई वॉक अलोन, ठीक है, इफ आई डाई इन बॉटन बैटल जोन बॉक्स में सेंड मी, पुट माय गन, माय टेल माय मॉम आई डिड माय बेस्ट एंड टेल माय फादर नॉट टू बाउ, ही वांट वन टेंशन फ्रॉम मी, ये एक फेवरेट लाइन है व्हेन यू आर एन एस्पिरेंट, तुम उस जोन में रहते हो, ठीक है ना, एक ऑफिसर की पर्सनैलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने लिखी है, तो इस तरीके से ये है, ये सब देखो ये, तो दैट इज हाउ द थिंग इज, एंड देन उस तरीके से चीजें होती हैं। फिर AFSB के क्वेश्चंस टू प्रिपेयर, इतने क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, ठीक है, ये मैं तुम लोगों को भेज दूंगा PDF बना के, आई विल सेंड यू, यू गाइस कैन प्रिपेयर इट, इसमें मैं वीडियो बना दूंगा तुम लोगों के लिए। और बताओ सेल्फ डिस्क्रिप्शन मेरा, देखो मैंने कितनी बार लिखा यहाँ पे सेल्फ डिस्क्रिप्शन, इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या क्या पूछ सकता है, बीइंग प्रेजेंट, प्रैक्टिस OIR, SI हैबिट इन मी, आई डू, ये वाली चीजें, ठीक है, फटाफट फटाफट करता हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों यहाँ तक ये चल रही है कहानी, यानी कहानी खत्म नहीं हुई है अभी, दिस इज जस्ट वन कॉपी, एंड देन आई विल टेल यू दिस इज द सेकेंड कॉपी, इंटरव्यू क्वेश्चंस अगेन 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 अगेन, देख रहे हो क्वेश्चन नंबर कितने सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए, 55, 72 क्वेश्चंस थे, ये कॉपी एक, ठीक है, ये पूरी मैं आपको टेट वेट SRT की प्रैक्टिस लगेगी भाई, 5 साल की मेहनत है, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं और ये इनके आंसर्स हैं, ये टेट वेट हैं, ये क्वेश्चंस हैं और ये इनके आंसर्स हैं, योर अचीवमेंट, योर व्हाई डू यू, व्हाई यू आर नॉट इन स्पोर्ट, हर चीज का आंसर मैंने लिख के रेडी किया था, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, इसका आंसर मैंने, हाउ यू कम ऑन अ कंक्लूजन टू ज्वाइन IEF, मतलब गेटिंग माई पॉइंट, इस तरीके से तैयारी होगी, टेल मी अबाउट योर बेस्ट डे अबाउट द वर्स्ट डे मेरे भाई, ठीक है, ये सारी तैयारी का अप्रोच है आपका, ठीक है, ये तैयारी होगी इस तरीके से, PPDT एंड वेट, अगेन PPDT एंड टेट, ठीक है, ये पैरामीटर्स ऑफ GD क्या होते हैं, पेरेंट्स ओपिनियन, SD लिखा, बॉडी लैंग्वेज पे, टेट, एमी गडी का टेट टॉक देखा, उस पर मैंने फाइंडिंग्स लिखी, उस पर मैंने पूरे नोट्स बना दिए, फिर से अपना SD लिखा, ठीक है, फिर से इंटरव्यू हुआ, सर ने टास्क दिया, उस पर काम किया, ये दूसरी कॉपी इतनी मोटी, देखो थिकनेस देखो इनकी, फिर ये तीसरी कॉपी चालू होती है, प्रैक्टिस कॉपी प्लस SSB नोट्स, ठीक है, अब तुम देखो ना बस लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ये मेरा ही नाम है ना, साइकोलॉजी प्रैक्टिस, इंटरव्यू लिया गया 19 मिनट 54 सेकंड का, लिखा हुआ है सब कुछ बकायदा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सिस्टमेटिक किस तरीके से होगा, कैसे क्या क्या बोलना है, ठीक है, आप देखते जाओ, है ना, ये देखो हर चीज पे मैंने इतनी मेहनत करी है, और उस मेहनत के दम पे ही आज जीवन में थोड़ा बहुत जो भी भाई हासिल कर पाया है वो कर पाया है,
क्योंकि एक जमाने में उस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्रेजीनेस थी, मेहनत करी थी। तो आप अगर इस लेवल पे तैयारी, देखो 57 मिनट में इंटरव्यू हुआ और उससे इतनी फाइंडिंग निकली और ये सारी चीजें मैंने लिखी, तो आप अगर इस लेवल पे एसएसबी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप एसएसबी जाओ और मेहनत करो, ठीक है। न्यू ऑडियो 54 मिनट का सर ने फिर से लिया इंटरव्यू, फिर से मेरी फाइंडिंग ये थी, हालांकि सेलेक्ट नहीं हुए थे पर मेहनत नहीं छोड़ी भाई। ऑडियो फिर से 20 मिनट की और उसकी फाइंडिंग की गई, सर ने इंटरव्यू लिया, ये रूल बताए कि बेटा ये काम कर ले, इन पे काम किया गया, ठीक है। ये देखो ये खाली छोड़ दिए थे, प्रैक्टिस करने के लिए मैं ऐसे छोड़ देता था, बाद इंटरव्यू फिर से 39 मिनट का हुआ और ये सारा हुआ। सर ने भी एफर्ट मारा हमारे साथ, हमने भी एफर्ट मारा और हमने अपनी लीगेसी क्रिएट करी खुद की। ऐसा इंटरव्यू फिर से 53 मिनट का, ये फाइनल। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ यू गेट एन ऑप्शन टू पिक अमंग टू सिटीज विच विल यू चूज, मतलब इस तरीके की है, साइकोलॉजिकली भी खेलना पड़ता है यार। एसएसबी इज नॉट इजी, यू नीड टू पुट इन द हार्ड वर्क एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट। जो पहली बार में हो जा रहा है ना, वो हो जा रहा है, उसकी किस्मत अच्छी थी, ज्यादातर बच्चों का मेहनत करके ही हो रहा है। एंड देन रिपीटर्स कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो फिर से सिचुएशन रिएक्शन एसआरटी, 32 मिनट का मेरा कन्वर्सेशन चला सर के साथ, फिर पीपीटी में ये सब, और फिर उस पर मैंने ये सारी चीजें लिखी है ना। हाउ मच एफर्ट डज इट टेक, इट टेक्स 5 ईयर्स 11 SSBs, 3 कॉपियां भरी, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो बच्चों को पढ़ाना चालू किया और 40 से 45 बच्चे अफसर बनाए, ठीक है। तो इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ एफर्ट, आपको बैठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। ये वीडियो यूट्यूब पे आप अगर आप देख रहे हो तो इसमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें मेरा चेहरा नहीं दिखेगा बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस लेवल पे मेहनत करिए। फिर ये वैट पे डिस्कशन हुआ, 41 मिनट का कन्वर्सेशन था सर के साथ, पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज अ मस्ट, ठीक है। और वो सारी फाइंडिंग्स मैंने लिखी है ना, एक वर्ड पे पांच मैं वैट बनाता था, एसआरटी के क्वेश्चंस है, ठीक है। इंटरव्यू फिर से 54 मिनट का हुआ, मतलब योर मेंटर हैज टू पुट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पास मेंटर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आई मूवमेंट ऑन मिरर प्रैक्टिस, ये देखो, ठीक है। ये भी चीजों पे मेरे को बताया गया कि टेक ए ब्रीथ देन छोड़ते जाओ आराम से, 1 2 3 आंसर, जो क्वेश्चन है उसको इंटरव्यू के लास्ट में रूम से निकलते वक्त इसको अपने मैनर्स दिखाओ, थैंक यू सर, विश यू हैप्पी डे, ठीक है। सावधान होके एग्जिट करना है, क्लोज द डोर जेंटली, ठीक है। घुसते वक्त विसिम मैं कम इन सर, इस तरीके से, मतलब एवरी थिंग स्टार्टिंग एसआरटी में एनालाइज इंक्वायर, मतलब गेटिंग माय पॉइंट यार, तुम समझ रहे हो। हाउ मच एफर्ट डज इट टेक टू बिकम एन ऑफिसर, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ पेन भाई फॉर अ नॉर्मल पर्सन लाइक मी। फिर ये जीपी की प्रैक्टिस मैंने करी, ओके, इतनी कॉपियां भरी, ये टास्क है, ऑडियो जहां पे तुम्हें लिख रहा है ना, इतने मिनट बात हुई है सर से मेरी, रुद्र सर, ठीक है। उन्होंने भी पेन लिया, हमने भी पेन लिया, फिर ये देखो, फिर से यही कहानी यार, चीजें एक दिन में नहीं होती, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यू टेक लॉट ऑफ टाइम। फिर इंटरव्यू ऑडियो, ये लर्निंग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम छोटे से थोड़े से कैजुअल अप्रोच के साथ जा रहे हो और ये देखते जाओ बस, ये कॉपियां भर गई हैं भाई की, छोटे से भी अप्रोच के साथ जा रहे हो, छोटे अप्रोच के साथ जा रहे हो इंटरव्यू फिर से 44 मिनट का, मतलब देख रहे हो अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू कैन सी, ठीक है। और फिर ये एफ ओ स्क्वाड्रंस के नाम लिखे थे, मतलब मैंने हर वो संभव प्रयास किया कि यार कैसे भी करके होना है। क्वेश्चंस टू आस्क, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑल, व्हाट इज द स्टोरी लाइक, ठीक है, इस तरीके से है ये। श्रीवास्तव सर का वो था टास्क, वो था है ना, ब्लैंक स्टोरी का क्या लॉजिक है, इस तरीके से मैंने जो है चीजें करी हैं। एक है सर, हर चीज पे केला पे, यू नीड अ बैकअप प्लान, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट आई नीडेड टू बी डन, व्हाट आई डिड, ठीक है। सच बोलो या झूठ बोलो, ऐसे बोलो कि वो सच लगे, उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो फूल प्रूफ रेडी कर लो। स्पीकिंग जेंटली, लाइक अरुण जेटली, ठीक है। स्पीड ऑफ टॉकिंग, आराम से बोलो, हाउ ऑफिसर्स वॉक टॉक लिव, एक्सपीरियंस करना है वो चीज़ आपको, फील करनी है। 11 SSB इलाहाबाद, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ एफर्ट लगा है। तो ये मेरी मेहनत थी और फॉर दैट आई एम मिलिट्री ऑफिसर इज एन अचीवर, ही इज कमिटेड टू हिज गोल, ही मेक्स अ स्ट्रेटजी टू अचीव हिज गोल, है ना, ही टेक्स एवरी, मतलब इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, है ना। तो मेरे भाई और बहनों, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट,
आई एम होपिंग कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, ये तो मेरी मेहनत थी एंड देन मैं अभी भी उतने ही मेहनत के साथ आज अपनी लाइफ को जीता हूँ। SSBs ने बहुत कुछ सिखाया है जीवन में, मेहनत करना सिखाया है, अपने ऊपर काम करना सिखाया है, खुद को जानना सिखाया है, तो अगर आप वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट अगर डाल सकते हैं तो आप जो है आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। और यार भगवान ना करे अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे, पर एक बार जान लगा के मेहनत जरूर करना, मेहनत करना दिन रात एक करना, जितना तुमसे हो पाए उतनी ज़्यादा कोशिश करना, आप देखोगे कि आप जो है कहानी बदल दोगे अपनी सारी, है ना। इसको मैं वहीं यहीं पे एंड करता हूँ। जय हिंद एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।